सलाम गेमर्स, वेलकम टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अभी जो 1.6 की अपडेट आ गई है BGMI एंड पबजी मोबाइल में, उसके अंदर कुछ न्यू सेटिंग्स हैं, कुछ न्यू फीचर्स हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मेक श्योर वीडियो एंड तक देखना, और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो देर किस बात की, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट आने वाली अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सेटिंग्स में जाते हैं। मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लूँ यहाँ से ऐसे जी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको टॉप पर कुछ तीन जो है सेक्शन दिख रहे होंगे, एम एंड टैप टू फायर, सेकंड है एडवांस फीचर, थर्ड है प्राइवेसी एंड सोशल। ये हमारे जो बेसिक सेटिंग थी उसको डिवाइड कर दिया गया है तीन सेक्शन में, यानी कि एम एंड टैप टू फायर की जो ऑल सेटिंग्स होंगी वो आपको फर्स्ट सेक्शन में मिल जाएगी। एडवांस फीचर्स जो होंगे इसकी सेटिंग्स के, उसको आप जस्ट एडवांस फीचर पर टच करो तो आप उस वाले सेक्शन में आ जाओगे, आपको स्क्रॉलिंग नहीं करनी पड़ेगी। और प्राइवेसी एंड सोशल्स पे आके आपको प्राइवेसी और सोशल्स की सेटिंग्स मिल जाएगी। तो बेसिकली ये जो तीन चीज़ें ऐड की गई हैं, इससे आपकी जो स्क्रॉलिंग टाइम जो होता है ना वो बच जाएगा, उससे बचत हो जानी है, ठीक है। सिर्फ आपने टच करना है और आपका जो है टाइम बच जाएगा और आप उस सेटिंग में पहुँच जाओगे। तो अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एम एंड टैप टू फायर में सेटिंग्स कौन कौन सी ऐड की गई हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप चेक करो, ये जो है हेडशॉट साउंड इफ़ेक्ट, ये ऐड किया गया है जो कि मेरे ख्याल से बहुत प्लस पॉइंट है। इससे आपको पता लग सकता है कि सामने आपने हेडशॉट मारा है कि नहीं मारा। हेडशॉट मारोगे तो आपको खुद ही आ गया होगा, क्योंकि अपडेट के बाद ये इनेबल है सबके पास। आप खुद से ऑफ़ करोगे यानी डिसेबल करोगे तो डिसेबल होगा, वरना ये इनेबल ही है सबके पास। तो उससे आपको पता लगता है कि सामने वाले को आपने कितने हेड मारे हैं, या अगर सामने वाला बंदा गड़बड़ है तो भी आपको पता लग सकता है कि यार आपने इतने हेड मारे लेकिन वो नॉक होके नहीं दे रहा, कुछ गड़बड़ ज़रूर है। या इसके अलावा ये पता लग सकता है कि आपने हेड मारे भी हैं या नहीं मारे, कि आपके ख्याल में भाई मैंने तो हेड मारे थे, वो मारा क्यों नहीं, नॉक क्यों नहीं हुआ। तो ये एक फ़ीचर आ जाता है विच इज़ बेस्ट मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इसे एनेबल रखना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट सेटिंग आ जाती है वो फोकल लेंथ एडजस्टमेंट की है। तो ये टैप हुआ हुआ है, तो ये टैप में क्या सीन है और होल्ड में क्या चीज़ है मैं आपको बताती हूँ। टैप अभी करके दिखाती हूँ आपको सेटिंग्स में। यहाँ मैं अगर गन उठाती हूँ, इसके अंदर आपको स्कोप दिख जाता है, एडजस्ट का ऑप्शन जो है, इसको आप टच करते हो तो ये खुल जाती है स्कोप की जो रेंज है। फिर आप इसको दोबारा टच करके स्क्रॉल करते हो ऊपर नीचे, यानी कि लेकर जाते हो, तो आप इसको सेट कर सकते हो 3-4 जो भी आपने करना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाती है टैप सेटिंग, ठीक है। मुझे दो मरतबा टच करना पड़ा है फिर मैं इसको सेट करूँ, लेकिन अगर मैं इसको कर देती हूँ होल्ड पर तो इससे ये होगा कि मैंने इसको टच किया, टच करके मैंने हटाई नहीं है अपनी उंगली, मैं जस्ट इसको नीचे लेकर आ रही हूँ और ये हो रहा है ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है। अगर मैं इसको टैप करती हूँ तो ये देखो टैप करने से जस्ट गायब हो जाएगा, मुझे होल्ड करके रखना होगा, और ये एक ही टच में होल्ड करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हो स्कोप को। बेसिकली ये यही सेटिंग है, टैप करोगे तो आपको टैप करना होगा, फिर दोबारा आपने टच करके एडजस्ट करना होगा। लेकिन अभी जैसे मैंने होल्ड की हुई है तो मैंने होल्ड करके रखा है और ये सेटिंग ऑन हो गई है, और मैं इसको अप एंड डाउन करूँगी तो फिर ये हो जाएगा, ठीक है। ये सेटिंग है इसकी, तो मुझे फ़िलहाल तो ये टैप पे ही रखनी है, फ़िलहाल मेरा माइंड नहीं है इसको होल्ड पे रखने का। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी आ जाती है मर्जिंग क्राउच एंड लेइंग प्रोन। तो ये देखो डिसेबल है, मैं अगर इसको एनेबल कर देती हूँ तो क्या होता है कि यहाँ पे ये जो मेरा क्राउच बटन दिख रहा है आपको, अगर मैं इसको टैप करके रखती हूँ तो ये प्रोन कर जाएगा, अगर मैं इसको डबल टैप वगैरह करती हूँ तो ये क्राउच डाउन एंड अप करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको टैप करके रखती हूँ तो हमारा बंदा प्रोन हो जाएगा, यानी कि क्राउच और जो प्रोन का बटन है वो मर्ज हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको दो चीज़ें होंगी कि अगर आप उसको टैप करके रखोगे तो आपका बंदा लेट जाएगा, ठीक है, बटन को। अगर आप इसको डबल टैप वगैरह करोगे, आपको लिटाना नहीं है बंदे को, तो आप इसको टैप टैप कर सकते हो। अगर आप होल्ड करोगे तो आपका बंदा लेट जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये दोनों सेटिंग्स जो हैं एक में हो गई कन्वर्ट। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, आप इससे एडवांटेज ले सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि आपकी जो दो कंट्रोल हैं वो एक में आ जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको होल्ड एंड टैप का डिफरेंस रखना पड़ेगा सिर्फ। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है कंटिन्यूसली यूज़ बैंडेजेस। तो ये इनेबल हुआ हुआ है, इसको आप डिसेबल कर सकते हो, इनेबल भी कर सकते हो। डिसेबल करने पे क्या होगा कि अगर आपकी हेल्थ 75 से जितनी भी कम होगी तो आप बैंडेजेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 75 से कुछ भी कम होगी तो आप बैंडेजेस यूज़ कर सकते हो। बैंडेजेस जब आप यूज़ करते हो तो आपने एक बार बैंडेज के ऊपर टच किया तो आपकी बस वो एक ही बैंडेज लगेगी, अगर आप इसको डिसेबल कर देते हो। अगर आप इसको इनेबल कर देते हो तो आपकी जब आपने एक बार दोबारा बैंडेज पे
टच कर दिया तो जब तक आपकी हेल्थ 75 नहीं होती तब तक आपका प्लेयर बैंडेजेस लगाता रहेगा। और समटाइम्स ये होता है कि आपके ऊपर रश हो जाता है तो आपका ये जो कंटिन्यूसली बर्डन ऑन होता है तो आपका बंदा जो है जल्दी से गन पकड़ने में जो है ना ग्लिच करता है कि वो आपको टैप टैप करना पड़ता है फिर जाके आपकी गन उठाई जाती है। तो ये थिंकिंग भी है, और इसके अलावा ये भी है कि अगर आप जोन से जा रहे हो तो आप इसको कंटिन्यूसली पे लगा सकते हो। तो ये दोनों बातें आ जाती हैं इस सेटिंग के हवाले से। नेक्स्ट सेटिंग ये है कि आपने एडवांस में जाना है, यहाँ पे आपको मिल जाता है स्प्रिंट सेंसिटिविटी। तो ये आपकी देखो 50 होगी और इसको आप अप एंड डाउन कर सकते हो। अब इसकी क्या सेटिंग से ये मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर पहले हम कर देते हैं जो पहले से थी डिफ़ॉल्ट 50 कर देते हैं। तो इसके अंदर देखो जो आप कंसोल है आपका जॉयस्टिक उसको आप आगे करते हो तो ये स्प्रिंट लॉक हो जाता है। स्प्रिंट लॉक से क्या होता है, कंटिन्यूसली आपका बंदा भागता रहता है, ठीक है। ये आपको थंब ज़्यादा आगे ले जाना पड़ेगा, और अगर हम इसको फुल कर देते हैं तो आपको थंब कम ऊपर ले जाना पड़ेगा और आपका बंदा स्प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप आपको मेरी अब तक की बातें समझ आ रही होंगी। मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल के ऊपर व्यूज़ वगैरह बहुत डाउन आ रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। तो यही सीन है, आप इसको मैक्सिमम 70 रख लो, या आपकी जो है अपनी खुद की भी सेंसिटिविटी होती है ना, तो आपको जो बेस्ट लग रहा है वो करो। आप किस नंबर के ऊपर आपका जो स्प्रिंट आप एडजस्ट कर रहे हो कि आपको भाई हाँ इस नंबर पे आपकी जो सेंसिटिविटी है वो ठीक जा रही है, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये वाली सेटिंग हो जाती है। इसके अलावा एक और सेटिंग आ जाती है हमारे पास, वो एडवांस सेटिंग में ही उसके नीचे है, स्प्रिंट वाली के नीचे। इससे देखो अभी स्क्रीन के ऊपर जो आपके कंट्रोल्स शो होते हैं ना, अगर हम इसको इनेबल कर दें तो हमारे जो स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल होते हैं वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, और अगर हम इसको डिसेबल कर दें तो वो जितनी हमने ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है उतनी ही होगी। ये अच्छा उनके लिए है कि जो अपने कंट्रोल्स में प्रो हो गए उन्हें ज़रूरत नहीं है स्क्रीन पर देखने की, और जो कंट्रोल्स में प्रो नहीं है उनको डिसेबल ही रखना चाहिए ये, ठीक है ना। ये वो सेटिंग आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास ग्राफिक में सेटिंग आती है 2x और 4x में। ये आपकी ग्राफिक इन्हेंस करेंगे लेकिन आपकी बैटरी कंज्यूमिंग होगी, और अगर लो एंड डिवाइस है तो आपकी लैगिंग प्रॉब्लम भी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली सेटिंग आ जाती है। और उसके अलावा नेक्स्ट सेटिंग जो आ जाती है हमारे पास वो आती है व्हीकल्स में। व्हीकल सेटिंग में आओगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख जाते हैं, एक है फॉलो एक है फ्री व्यू। तो फॉलो में क्या सीन होने वाला है वो मैं आपको बताती हूँ। आप व्हीकल में जब ट्रेवल करते वक्त हम स्क्रीन को लेफ्ट राइट करते हैं, अगर हम फ्री सेलेक्ट करेंगे तो लेफ्ट राइट करने के बाद जब हम छोड़ देंगे तो हमारी स्क्रीन ऑटोमेटिकली सामने फ्रंट व्यू ले आएगी, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। जब हम इधर उधर देखते हैं तो एकदम से जब हम छोड़ देंगे इधर उधर टैप करना तो उधर स्क्रीन नहीं अटकी रहेगी, हमारा फ्रंट व्यू वो एकदम से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी सेटिंग को फ्री व्यू पे कर देंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप स्क्रीन को लेफ़्ट राइट करोगे कैमरे को तो वहीं पे अटकी रहेगी जब तक कि आप खुद दोबारा टच करके फ्रंट व्यू नहीं लाते हो, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ करके। यहाँ पे देखो मैंने ड्राइविंग स्टार्ट की है और मैंने कैमरा जो है पीछे की तरफ कर दिया है। अब मैंने पीछे कर दिया है, कुछ भी टच नहीं किया है। अब मैं स्क्रीन जो है खुद ही आगे कर रही हूँ तो ये स्क्रीन आगे हुई है, वरना नहीं हुई। लेकिन अगर हम फॉलो वाला सेलेक्ट करते हैं तो उसमें ये होगा कि स्क्रीन खुद बहुत फ्रंट व्यू में आ जाएगी, ठीक है। ये थी टोटल बात। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतनी ही सारी मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी। एफर्ट्स के लिए लाइक करो, अपने पबजी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, और अगर टिकटॉक यूज़ करते हो तो उधर भी फॉलो कर लो। आई नो बैन पड़ा हुआ है लेकिन फिर भी यूज़ कर रहे हैं तो फिर फॉलो कर लो। इसके अलावा काफ़ी सारे रिवॉर्ड आपको फ्री मिल रहे हैं, परमानेंट फ्रेम और बैकपैक मिल रहा है, वीडियो अपलोड है जाके देखो। नोटिफिकेशन नहीं जा रहा इसलिए इतनी ओपी वीडियो आप मिस कर दोगे, जाकर देखो। और क्या कहते हैं, खुद से चैनल विजिट कर लिया करो, नोटिफिकेशन का तो मसला मेरे ख्याल से एंड तक ही रहना है, सॉल्व नहीं होना है मसला। तो बस वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।